हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे जो हमारे डेसिमल नंबर है उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज हमारा जो डेसिमल नंबर है, अगर हम सिंपली वन को अगर करते हैं, वन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, वो ये जीरो, ये वन और इधर माइनस वन, तो वहाँ कहाँ वन कहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। अब सपोज हम देखते हैं 1.3 देखते हैं, 0.3 को देखते थे तो 1.3 कहाँ मिलेगा, तो सपोज अगर ये हमारा 1.1 है तो ये 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 1.10, मतलब वहाँ यहाँ पे क्या जाएगा फिर से, सॉरी 1.9 है, उसके बाद क्या जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1.3 कहाँ मिला हमें, यहाँ पे मिल गया 1.3, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं 1.35 को देखते हैं, 1.35 तो किसके बीच में रहेगा, 1.3 और 1.4 के बीच में रहेगा। तो अगेन हम जब बनाएंगे तो किसके किसके बीच में बनाएंगे, 1.3 और 1.4 के बीच में। सपोज 1.3 है तो 1.31 होगा, 1.32 होगा, ये 1.33 होगा, 1.34 होगा, 1.35, 1.36, 1.37, नेक्स्ट 1.38, 1.39 और यहाँ पे क्या जाएगा 1.4 हो जाएगा। सो 1.3 और 1.4 के बीच में हमें क्या मिल गया, 1.3 मिल गया, तो ये हमारा 1.35 हो गया, ठीक है। अगर सपोज में इसमें और एक नंबर आ गया 1.35, सपोज हमारा 6 है, 1.356, तो एक इसके बीच में रहेगा 1.35 और 1.36 के बीच में रहेगा। तो इसका फिर से हम जूम करेंगे, इसमें क्या होते जा रहा है, जूम होते जा रहा है, 1 और 2 के बीच में पहले जूम हुआ तो क्या मिला 1.3 मिला, नेक्स्ट 1.3 और 1.4 के बीच में जूम किए तो हमें क्या मिला 1.35। अब उसके बीच में और जूम कर रहे हैं 1.35 और 1.36 के बीच में और जूम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, सपोज यार 1.35 है, उसके बाद क्या आएगा 1.35, 1.351, ये 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, ये 1.358, 1.359, then 1.36, so 1.35 और 1.36 के बीच में हमें क्या मिल गया, क्या क्या चाहिए था 1.356, so 1.356। और इसके आगे आगे की दशमलव आएगा, सब कुछ 7 है, इसके बीच में फिर से जूम करेंगे और फिर से इसका फाइंड करेंगे। तो इस टाइप से हमारा जो डेसिमल नंबर रहेगा उसको इस टाइप से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पार्ट पार्ट में होगा, पहले जो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट रहेगा उसका निकलेगा, देन नेक्स्ट सेकंड डिजिट का निकलेगा, देन नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन आएंगे लास्ट जो फिफ्थ डिजिट तक के आएंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है, फिफ्थ डिजिट का, फाइव डिजिट तक का आपको क्वेश्चन आएगा 9th में, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा विजुअलाइज 3.768 ऑन नंबर लाइन, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अब अभी जो हम मेथड देखे, जो हम प्रोसेस देखे थे, इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। जो हम मेथड देखें, प्रोसेस देखें, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विजुअलाइज 3.786 यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे जो डेसिमल नंबर है उसको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है बाय के वन बाय वन। तो सपोज फर्स्ट हम देख लेते हैं 3.76, पहले हम किसको देखेंगे, 3.7 कहाँ पे आएगा, तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम ये हमारा 0, ये 1 और ये 2, ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास का हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, 3.7 है, तो हम पहले हम क्या कर लेते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, देन 4 आएगा, ठीक है, जो 3 और 4 के बीच का हम जूम किए हैं,
ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 3.7 मिल गया। अब नेक्स्ट हमें क्या है 3.76, अब 3.76 किसके बीच में रहेगा, इसके और इसके बीच में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम जूम करें, इसके बीच का हम जूम करें, तो यहाँ पे ये आएगा 3.7 है, 3.7 के बाद क्या आएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, द नेक्स्ट क्या आएगा 3.8 आएगा, 79 के बाद क्या आता है 80 आता है, सो 3.8 आएगा। सो 3.7 और 3.8 के बीच में हम जूम किए हैं ये, ठीक है। तो हमें क्या मिला 3.71, 3.72, 73, 74, 75, 76 मिल गया, 76 ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या लाना है 768 लाना है, अब वो किसके बीच में रहेगा 3.76 और 3.77 के बीच में रहेगा, मिडिल में। सो यहाँ फिर से हम इसको जूम कर रहे हैं इतने को, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा ये हो गया हमारा सपोज 3.76, उसके बाद क्या होगा 3.761, उसके बाद क्या आएगा 762, मतलब 3.762, नेक्स्ट 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, द नेक्स्ट 3.767, 3.768, 3.769, द नेक्स्ट क्या आएगा 3.77, ठीक है 3.76 था, 769, इसके बाद क्या आएगा 770 आएगा, 3.77 आ जाएगा। सो हमारा क्या था 3.76 और 3.77 के बीच में 761, 762, 763 ये, तो हमें क्या लाना था 768 कहाँ पे है ये हुआ मिला, ठीक है। तो हमें ये जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है उसके हम क्या बोलेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। जो डेसिमल नंबर है उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट किए हैं। अब सपोज अगर हमारा क्वेश्चन आता है 5.7 बार आ रहा है अप टू 5 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब क्या होगा 5.77777 हमें यहाँ तक का निकालना है 5 डेसिमल प्लेस तक का। सो 5.7777 तक का हमें निकालना है, तो हमें इस टाइप से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना था 1, 2, 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, तो यहाँ पे कितना 1, 2, 3 लाइन बना। सपोज यहाँ पे 5 है तो हमारा कितना बनेगा 5 स्टेप बनेगा, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड एंड ये हमारा थर्ड स्टेप। क्लियर ही है, समझ में आया ये, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आप जैसे अगर हमें सपोज रूट 3.5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो अभी तक हम देखे हैं कि या तो हम 3.5 का सेपरेटली देख चुके हैं 3.5 को कैसे करना है, या तो फिर रूट 3 या रूट 5 का हम देखे हैं किस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हमें दोनों का मिला के मतलब रूट 3.5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो अगर हम देखते जो हम अगर सपोज हम रूट 3 और रूट 5 वाला मेथड देखते हैं, तो उसमें क्या होता है ये 1 किए देन ये 1 किए, ठीक है। तो ये क्या हो गया रूट 2 हो गया, ठीक है। फिर रूट 2 के परपेंडिकुलर किए, फिर यहाँ से ड्रॉ किए, मतलब ये परपेंडिकुलर ये 1 ये रूट 2 है, तो ये हमारा क्या मिल गया रूट 3 मिल गया। इस तरीके से फिर इसका फिर से करेंगे तो हमें क्या मिलता है रूट 5 मिलता है, रूट 5 मिलेगा। लेकिन हमारे क्या होता है इसमें पॉइंट वाला टर्म आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसके लिए एक मेथड होता है, ठीक है। चलिए उसको प्रूफ कर लेते हैं, मतलब उसको देख लेते हैं किस टाइप से बनेगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो उसके लिए हम पहले ले रहे हैं फर्स्ट, सपोज हमारा ये एक लाइन है जिसमें यहाँ से यहाँ तक क्या है x है। सपोज ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा x है। देन नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है 1 यूनिट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है x यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है 1 यूनिट है, ठीक है। चलिए अब A टू C क्या हो गया, A से C तक का क्या हो गया हमारा इसमें ए सी इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 1 ए टू सी। अब इसका सपोज हमारा मिड पॉइंट कोई, ये हम सपोज ये हमारा उसका मिड पॉइंट है, मतलब ये सपोज हमारा ओ है जिसमें क्या होगा ए ओ इक्वल टू ओ सी, ठीक है।
ए और सी का मिडपॉइंट क्या है, ये हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वन अपॉन टू ए ओ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, ए सी का हाफ हो जाएगा ए ओ इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन टू। अब हम क्या करेंगे, ओ सी को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हमारा हो गया सेमी सर्कल, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं, ये हो गया, अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये ए बी सी सपोज ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्चुअल फिगर। अब इसमें क्या क्या सपोज किया, यहां से यहां तक एक्स, ये वन यूनिट, टोटल का मिड पॉइंट निकालें, फिर उसका सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। चलिए सेमी सर्कल अच्छे से नहीं बना है लेकिन जैसे भी दिख रहा है सेमी सर्कल टाइप का, तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए और उसके बाद यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, मतलब यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलिए अब हम ओ और डी को मिला देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, वो पहले फाइंड कर लेते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। सपोज ये क्या हमारा वाई है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा उसको निकाल लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब ओ डी इक्वल्स टू ओ सी होगा, क्योंकि ये भी क्या है रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेमी सर्कल का रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा रेडियस होगा, ये भी क्या होगा ओ सी होगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ है। तो फर्स्ट ए बी इक्वल्स टू क्या है, एक्स यूनिट है, बी सी इक्वल्स टू क्या है, वन यूनिट है, और ए सी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन यूनिट है, एक्स प्लस वन यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हम ये नहीं ले रहे हैं कि वन सेंटीमीटर वन मीटर ऐसा नहीं ले रहे हैं, ओनली यूनिट लिख रहे हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे ओ सी क्या है हमारा, रेडियस है, और वो किसके रहेगा, ओ सी या तो फिर ओ ए, क्या है ये ए सी का हाफ है, ए सी का हाफ है, तो ए सी कितना है, ए सी कितना हमारे पास, एक्स प्लस वन, सो उसका हाफ हो जाएगा, मतलब ये क्या है हमारा रेडियस है, तो सेमी सर्कल उसका रेडियस है। और ओ डी भी क्या है इसका, रेडियस हो गया इक्वल्स टू ओ डी, मतलब ओ सी ओ ए और ओ डी इसका वैल्यू क्या हो गया, एक्स प्लस वन अपॉन टू। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, बी ओ डी में या ओ बी डी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा ओ बी और ये डी, इसका वैल्यू हमें ये ओ डी इसका हमें फाइंड करना है, और इसका कितना है उसको भी निकाल सकते हैं क्या, इसका वैल्यू ओ बी यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कितना है, ओ सी है, और यहाँ से क्या है ओ बी है, और बी से सी कितना है पता है, सो सिंस ओ सी इक्वल्स टू क्या होगा, ओ टू सी क्या होगा, ओ बी प्लस बी सी, ओ टू सी क्या होगा, ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सो ओ सी सॉरी ओ सी का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वन अपॉन टू, ओ बी का वैल्यू फाइंड करना है, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है वन, सो यहाँ से ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन पर ट्रांसफर कर देते हैं, सो एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वन अपॉन टू, सो ओ बी कितना मिला हमें, एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये मिल गया। चलिए अब देखते हैं हम जो ये वाला है, ठीक है, डी बी है मतलब बाय, उसका वैल्यू क्या होगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही होगा, ओ डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हमें क्या करना है, बी डी का वैल्यू फाइंड करना है, सो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, या फिर और क्या ले सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू रूट ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। चलिए अब OD का वैल्यू कितना है, OD OD का वैल्यू कितना है, x प्लस वन अपॉन टू, और OB का वैल्यू कितना है, x माइनस वन अपॉन टू, सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, OD OD कितना है, x प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर माइनस OB कितना है, x माइनस वन अपॉन टू होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपॉन में क्या मिलेगा, फोर, ठीक है, इसके अपॉन में क्या मिलेगा, फोर, और इसके अपॉन में क्या मिलेगा, फोर, और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ठीक है,
अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखिए, यहाँ तक समझ में आया क्या क्या किए हैं। पहले ये हुआ, ठीक है, ये ड्रॉ किए हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट हम क्या लिए थे, ए बी एक्स यूनिट लिए थे और बी सी 1 यूनिट लिए थे। टोटल ए सी क्या हो गया, x प्लस 1 यूनिट हो गया। अब ए सी का मिड पॉइंट निकाले, क्या निकला ओ सी और ओ ए निकला मिड पॉइंट ओ सी ओ ए। अब ओ जो मिड पॉइंट है तो ओ टू सी और ओ टू ए क्या हो गया x प्लस 1 का हाफ। ठीक है, अब जो हाफ लिए मिड पॉइंट लिए उसको रेडियस लेते हुए हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ किए, देन नेक्स्ट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो यहाँ पे डी पॉइंट पे कट हो रहा है। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है और इसका वैल्यू क्या होगा, ये क्या रेडियस ही है, इसका वैल्यू क्या होगा ओसी के इक्वल रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम ओबी फाइंड किए, ओबी कैसे फाइंड किए, ओसी माइनस बीसी करके ओबी फाइंड किए ये। ठीक है, ओ बी निकल गया। उसके बाद हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, सो यहाँ से हम ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं अभी इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, चलिए मिटा रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे देखते हैं ये बी डी इक्वल्स टू रूट, यहाँ पे देखते हैं दोनों का अपॉन में क्या है 4 है, तो दोनों कैल्शियम कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस। अब यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस के साथ में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन में क्या है 4 से हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4x अपॉन 4, तो दैट इज 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा रूट एक्स। सो बी डी क्वेश्चन कितना आया रूट एक्स मिला हमें, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या मिला हमें रूट एक्स, मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक्स बनाते हैं और 1 बनाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे जितना भी है उसका रूट क्या आ जाएगा, ये लाइन रहेगा। ठीक है, अगर सपोज एग्जाम्पल लेते हैं रूट 3.5 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3.5 का ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, द नेक्स्ट 1 यूनिट का ड्रॉ करेंगे, ये 3.5 यूनिट का और ये 1 यूनिट का, उसके बाद इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालिए, आप इसका सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से यहाँ जो रहेगा वो क्या रहेगा रूट 3.5 रहेगा। अब इस मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे चाहे डेसिमल वाले हो या जो सिंपल रूट वाले हो उसका वैल्यू हम फाइंड, उसका जो है उसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर आपको इसमें समझ नहीं, कुछ भी समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा भी कभी कहीं डाउट होगा तो बिल्कुल बताइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।